वेलकम गाइस, आईटी हेल्पर वीडियो में रियलमी 5, इसमें जो है पैटर्न पिन लॉक लगा हुआ है 6 नंबर का। ठीक है, तो ये हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको हार्ड रीसेट मारते हैं। ये RMX, इसका मैं मॉडल नंबर आपको चेक करा देता हूँ एक मिनट। ये देखिए RMX 1911। ठीक है, तो अब हम इसको हार्ड रीसेट मार देते हैं। पहले हम जो है फ़ोन को प्रॉपर स्विच ऑफ कर देते हैं। ये कुछ सेकंड लगाता है स्विच ऑफ होने में, जब प्रॉपर स्विच ऑफ हो जाए तब आपको जो है पावर का बटन दबा के वॉल्यूम माइनस का बटन दबाना है। ये वॉल्यूम डाउन, पावर और डाउन। जैसे ही पावर आ जाएगी आपको पावर की से हाथ हटा देना और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है। थोड़ा सा वेट करना है आपको और ये जो है ऑटोमेटिक वाइप डाटा पे आ जाएगा। ये देखें, फॉर्मेट इंग्लिश पे आ गया, हमें इंग्लिश पे पावर का बटन दबाना है। नीचे वाइप डाटा है, डाउन वॉल्यूम डाउन की से हमें फिर पावर का बटन से ओके कर देना है। यहाँ पे देखें ये मॉडल आ रहा होगा, अगर ये मॉडल नहीं आएगा आपको तो फिर ये आपको जो है किसी कंप्यूटर शॉप से ही इसे करवाना होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब मैं 6790 फिर हमें जो है नीचे फॉर्मेट का प्रेस करके ओके प्रेस करना है। फिर हमें फॉर्मेट पे, और ये हमारा यहाँ से वाइपिंग डाटा शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट लगेगा। और इसकी जो FRP है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी FRP कैसे होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना। ये हो गया हमारा सक्सेसफुल ओके। अब जो है हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा और जो हमारी FRP है वो इजीली जो है हो जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। रियलमी 5 RMX जो भी था इसका, रियलमी 5 मॉडल है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस सिचुएशन में जो है हम जब वाइप करते हैं तो सारा डाटा इरीज हो जाता है और कुछ इसमें डाटा बचा नहीं होगा, ना कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, ना ही इसमें कोई फ़ोटो या वीडियो, एनीथिंग एल्स इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा हमें, ये एम्प्टी हो जाएगा। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसी के अंदर से ये मिलेगा जो पहले का होगा। तो अभी हम इसको FRP बाईपास कर देते हैं, *813। इसके बाद जो है इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो लैंग्वेज कैसे आप चेंज करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये थोड़ा सा अभी टाइम ले लेगा इस चीज़ का। हम इसे अभी फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं। ये फ्लाइट मोड पे डाल दिया क्योंकि कॉल वॉल आ जाएगी, इसीलिए फ्लाइट मोड पे डाल दिया। तो अगर ये लैंग्वेज इसकी चेंज नहीं हुई, कभी कभी इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करना लैंग्वेज चेंज। ये लैंग्वेज में आ गए सेकंड ऑप्शन, और यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ITHelper के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।